हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। एंड यह टॉपिक देख सकते हैं गाइस, थोड़ा टाइम पहले ही न्यूज में आता है क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है उस पर अटैक किया गया, हमला किया गया यहाँ पे। हाल ही का कुछ काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गए और दो तीन मारे भी गए। काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले। मैं हूँ रितेश सिंह, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सो इसी तरह अपडेट के लिए यहाँ पे हाल ही गैस पहले मैप में देख लेते कहाँ पे किर्गिस्तान है यहाँ पे, फिर एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे हम चर्चा कर लेंगे। क्या इनका जनसंख्या है, क्यों मारा गया यहाँ पे, क्यों अटैक किया गया यहाँ पे, और स्टूडेंट क्यों जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। सो सारा कुछ देख लेंगे यहाँ पे, बेसिक चीज सब यहाँ पे। ये है कुछ वर्ल्ड मैप और ये है गैस अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे। हाल ही का हमें भारत से कहाँ पे जाना है, किर्गिस्तान पे जाना है यहाँ पे। तो नौ ये सबसे पहले अपने प्यारा सा भारत को जाएंगे यहाँ पे। सॉरी, ये अपना प्यारा सा भारत एंड भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ पे किर्गिस्तान यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। हाल ही का चीन के साथ इनकी बॉर्डर साझा करती है एंड रशिया के साथ भी इनका बॉर्डर साझा करती है पे। हाल ही का इनका जनसंख्या देखिए तो ज्यादा जनसंख्या नहीं है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसके कुछ जनसंख्या गैस 69 लाख है, मतलब आप समझ सकते हैं 70 लाख के अप्रोक्स जनसंख्या है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं ये 2022 का डाटा है यहाँ पे, तो जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है यहाँ पे। हाल ही का अगर इनका रिलीजन का अगर हम बात करने वाले हैं, जो रिलीजन है वो इस्लामिक लोग 90%, जो किर्गिस्तान में इस्लामी लोग 90% है, बाकी क्रिश्चियन है, बाकी बौद्ध एंड रिलीजन के लोग भी यहाँ पे हमें 3% देखने को मिलती है यहाँ पे। खैर, यहाँ पे ये देखने किस टॉपिक के लिए इतना ज्यादा चर्चा में आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते गैस इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग देखे जो इंडिया और पाकिस्तान के लिए एडवाइस जारी किया गया, स्पेशली स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट इंडिया के स्टूडेंट हो या पाकिस्तान के स्टूडेंट हो, वो पढ़ने के लिए किर्गिस्तान जाते हैं। अच्छा, किस टाइप के स्टूडेंट गैस, एमबीबीएस स्टूडेंट, डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं। हाल ही इससे पहले हम लोग कनाडा सुनते थे, लेकिन किर्गिस्तान भी जाते हैं। क्यों जाते हैं विदेश यहाँ पे, आगे हम इनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। सो इन सब के लिए एडवाइजरी जारी की गई, आप लोग अपने घर से बाहर मत निकलिए। अच्छा, पहले थोड़ा स्टोरी समझ लीजिए। इजिप्ट के स्टूडेंट है, इजिप्ट जो कि गैस इजराइल के साथ अपनी बॉर्डर साझा करते हैं, इजिप्ट की जो स्टूडेंट है यहाँ पे ना, वो क्या कहता है किर्गिस्तान के जो लोग हैं उनको पीट डाला था, और ये पीटने के बाद एक वीडियो बना के काफी ज्यादा वायरल हो गया था। तो वहां के जो लोकल हो गए ना, वो काफी ज्यादा ऑलमोस्ट पहले से परेशान थे बताया जा रहा है, और वो क्या बोले कि नहीं अब हम छोड़ेंगे नहीं। तो जितने भी इजिप्ट के जैसे दिखने वाले लोग ना, जो इजिप्ट के जैसे जो लोग दिखने वाले ना, वो बिल्कुल गए बात में इंडियन और कुछ पाकिस्तानी के जैसे ही दिखते हैं। तो हुआ क्या कि जितने भी इजिप्ट के लोग समझते कि इजिप्ट के लोग इनको हम पीटेंगे जो वहां के लोकल है, फिर वो क्या कि उसके चक्कर में पाकिस्तानी और इंडियन चपेट में आ गया। हाल ही का अभी बताया कि इंडियन का तो कोई डैमेज नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान के जो 3 एक्टिविस्ट बताए जा रहे हैं उनकी मौत हो गई, बाकी काफी सारे इंजर्ड वगैरह भी हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं किर्गिस्तान में गैस भड़की हिंसा में काफी ज्यादा जो हॉस्टल में भी घुस गया था यहाँ पे, भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों के मारपीट में 3 की मौत हो गई। हालांकि 3 की मौत कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ तो पाकिस्तान का, हालांकि इंडिया की ओर से भी इंडिया के एक भी स्टूडेंट को अभी तक किसी प्रकार डैमेज नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है जो कि नॉर्मली हो सके, लेकिन पाकिस्तान के काफी सारे लोग यहाँ पे डैमेज हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा कुछ और डाटा देखिए कि लोग पढ़ने के लिए विदेश क्यों जाते हैं यहाँ पे या किर्गिस्तान क्यों जाते हैं, तो मैं 3-4 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूँ, एक एक करके हम सारे पॉइंट के बारे में जिक्र कर लेंगे। पहला पॉइंट है गाइस, देखिए इंडिया में अभी इतना ज्यादा एमबीबीएस कॉलेज नहीं है पे, और प्लस एमबीबीएस कॉलेज भी है तो फीस 70 लाख 60 लाख, कुछ प्राइवेट कॉलेज के इतना फी है, फिर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे, तो काफी ज्यादा स्टूडेंट अफोर्डेबल नहीं कर सकते, मतलब उनको प्राइस पे कमाई देने के लिए अदा नहीं कर सकते। तो होता है क्या कि आप इंडिया से जैसे ही बाहर जाओगे तो पैसा कम लगता है, इंडिया से बाहर चीन नेपाल भी चलो थोड़ा पैसा कम लगेगा कम्पेयर टू इंडिया पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो पैसा सबसे पहले कम लगते हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट यहाँ पे। दूसरा, क्वालिटी के मामले में बात करने वाले तो काफी अच्छा हाई क्वालिटी का शिक्षा उनको प्राप्त मतलब मिल जाता है विदेश में जाते हुए। तीसरे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड लेवल की इनकी मान्यता प्राप्त हो जाती है यहाँ पे। आगे हम यहाँ पे जिक्र करेंगे क्या वर्ल्ड लेवल मान्यता प्राप्त होती है, क्या इंडिया में होती है, जी हम आगे इनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है कि उसको इंग्लिश माध्यम में भी वो अपना मेडिकल कर लेते हैं, जैसे कि आप चीन वगैरह जो वहाँ के चाइनीज लैंग्वेज में भी मेडिकल वगैरह होता है, हालांकि इंग्लिश भी होता है लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पे। खैर, कुछ और डाटा यहाँ पे देखिए, विदेश में काफी सारे जो इंडियन है वो विदेश में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो एमबीबीएस करके जब इंडिया में लौटते तो वो एक एग्जाम कंडक्ट करती है भारत सरकार पे, जब वो एग्जाम कंडक्ट करते तो उसमें 80% जो स्टूडेंट है ना वो एग्जाम में पास ही नहीं हो पाते, बहुत ही एक अच्छा खासा एग्जाम होता है। यहाँ पे देखते हैं साल 2019 में विदेश में मेडिकल डिग्री लेके भारत में लौटने वाले 25.59
जो परसेंट छात्राएं हैं वो मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम में पास कर पाए हैं, मात्र 25% यहाँ पे देख सकते हैं। वही 2020 में बात करें 14% आता है, वही 2021 में 23% आता है। तो मतलब समझ सकते हैं तो विदेश में तुम आप कुछ भी पढ़ के आओ, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ाया। चलो एक एग्जाम दो, तब जाके आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो इंडिया के हॉस्पिटल में आके। सो कुछ ये था, आगे कुछ और भी अपडेट आएगी तो हम आप लोग के बीच देते रहेंगे। सो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।